बताइए स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी क्या थी अपने पास? सिस्टमेटिक मोनुमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कैन हैव अ डिटेल स्टडी ऑन द ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अरे कौन सा नॉमी बोलते हैं? पक्का? टैक्सोनॉमी। यस मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। समझ में तो आ रही है। हाँ, सो दिस इज द टैक्सोनॉमी। फिर उसमें हम लोगों ने बात किया सिस्टमेटिक्स के बारे में, और टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? वैभवी। टैक्सोनॉमी टर्म किसने किसने दिया था? आप सर मैं भूल गए। अपना नाम ही भूल जाओ अच्छा रहेगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी टर्म वॉज गिवन बाय निष्का, एपीडे एपीडी कैंडोले। APD, अरे APJ अब्दुल कलाम आया था ना। अरे APJ अब्दुल कलाम आजाद, हाँ कि ना? कैंडोले। हाँ, तो APJ से APD याद रखना है, APD कैंडोले। कौन सा डोले? और नेक्स्ट, एपीडी कैंडोले। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात किया था सिस्टमेटिक्स के बारे में। सिस्टमेटिक्स क्या होती है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंट ग्रुप, मतलब किसको कहाँ पर रखना चाहिए, किसको किंगडम में किस किंगडम में रखना चाहिए, किस डिवीजन पर रखना चाहिए, किस फाइलम पर रखना चाहिए, किस ऑर्डर पर रखना चाहिए। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ है क्या? किसको कहाँ पर रखना चाहिए ये हमें कैसे मालूम, मतलब कि इसी के रीअरेंजमेंट को, इसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। और ये सिस्टमेटिक्स का टर्म किसने दिया था? MN सर ने ना, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दिया था, हाँ कि ना? हाँ सर। कैरोलस लीनियस ने ये टर्म आपको दिया था। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। पक्का? यस सर। फिर हम लोगों ने बात किया था टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस इन द यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग, और जो आपके पास लीनियस था, कौन था? लीनियस था, उसने एक बुक लिखा था लीनियस, क्या बोलूँ, कैसे मैं लिखूँ, हाँ, जो उसने इस टैक्सोनॉमी के बारे में बात किया था, इन सिस्टमेटिक्स के बारे में बात किया था। बेसिकली जो उसके लिए उसने इन सब चीज़ को डिटेल से करने के लिए उसने एक बुक लिखा था, एक बुक को पब्लिश किया था, और बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरा। क्या नाम था? सो बुक सिस्टमा नेचुरा, उस किताब को जो टाइटल क्या लिखा था उसने? सिस्टमा नेचुरा, हाँ कि ना? और जब क्लास अपने खत्म होने लगे ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आपके व्हाइट बोर्ड में, ये सेव करने के लिए मुझे कौन रिमाइंड करवाएगा? क्योंकि मैं लास्ट क्लास में इसको इतना अच्छा से मैंने डिकोर करके नोट बनाया था, और मैं लास्ट में भूल गया। कौन याद दिलाएगा बताओ, बताइए। इवनिंग वाले में तो मैं किसी बच्चे को बोला था, उसने याद दिला दिया, वैसे मुझे याद आ गया था। यहाँ पे कौन याद दिलाएगा बताइए? मैं हाँ, लेकिन भूलना मत, कैसा ना कि आप भी भूल जाना, अगर निष्ठा भूल जाए ओके। तो अदर स्टूडेंट विल रिमेम्बर, मुझे याद दिलवाएगा। सो सिस्टमा नेचुरा दिस वॉज रिटन बाई, बताइए। कैरोलस। हाँ, इट वॉज पब्लिश बाई कैरोलस लीनियस, हाँ कि ना? तो इसको हम लोग शॉर्ट में लीन भी बोलते हैं। तो यहाँ इसका नाम क्या है आपके पास? लीनियस, हाँ कि ना? और इन शॉर्ट लीनियस को हम लोग लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको लीन बोलते हैं। वैसे आपको लीन यहाँ पे नहीं बोलना है, जब आप किसी बायोलॉजिकल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जब किसी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखोगे, अगर वो नाम लीनियस की वजह लीनियस ने दिया है, तो उनके लास्ट में, जैसे लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, लास्ट में लेन, हाँ कि ना? तो इवनिंग वाले क्लास में मैंने एक बच्चे को, मतलब एक नेम लिखा था, और ऐसा नाम कि मतलब वो वाला क्या बोलते हैं, समोसा आलू, एक को एक नाम मैंने बनाया था, और बच्चे इतने हंसने लगे, इतने हंसने लगे।
और उसके मैं मतलब समझाना चाह रहा था कि अगर किसी साइंटिस्ट ने नाम लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे समोसा आलू किसने दिया था, एमएन सर ने, तो वैसे मैंने उसके लास्ट में एमएनएस लिखवाया था, जिस तरीके से यहाँ पे होता है मेंजीफेरा इंडिका में, मेंजीफेरा इंडिका। तो पहला वाला नाम होता है वो होता है जीनस, और दूसरा वाला नाम होता है स्पेशीज, हाँ कि ना। और अगर हाथ से लिखते हैं तो इट विल बी सेपरेटली अंडरलाइन, ये हमेशा हमेशा दिमाग में बैठा लो। अगर ये नाम लिनियस ने दिया है तो इस तरीके से हम लोग लिन यूज करेंगे, हाँ कि ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ, जिसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, समोसा आलू, समोसा आलू ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कि एमएन सर ने दिया था, तो ये एमएनएस इस तरीके से लिख देंगे, हाँ कि ना। तो ऐसे ही नाम लिखिए, अगर जो साइंटिस्ट ने लिखा है वो नाम, उनके नाम को अगर हमें ऐड करना हो या किसी नाम के बाद ऐसे कुछ लिखा गया है, इसका मतलब वो जो लास्ट वाला नाम है तीन वर्ड के, जो भी उनका शॉर्ट एब्रीवेटेड होगा, उसका मतलब वो साइंटिस्ट है जो कि ये नाम लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? आप कितने देर पहले ज्वाइन किए? आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए। हेलो, हाँ, तो हम लोगों ने क्या बात किया, सिस्टम ऑफ नेचुरा, जो कि लिनियस ने इसका इस बुक को पब्लिश किया था, और अपने पब्लिकेशन का टाइटल उसने क्या दिया था, सिस्टम ऑफ नेचुरा। क्लियर है क्या? और फिर बाद में क्या हुआ, जब ये इन टैक्सोनॉमी का जब स्टडी एनलार्ज किया गया, तो बाद में इसको आईएनसी को भी ऐड किया गया, साथ ही साथ में क्या यूज किया गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हाँ के ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब बोलोगे सर ये कौन सी नई वर्टिकन से, कौन सी नई चिड़िया का नाम है, तो ये होता है फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि इवोल्यूशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशन, किस तरीके से रिलेशन होती है, कैसे जीन्स का शेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाँ कि ना। क्लास में ये सही आदत नहीं है, जो भी ऐसे रखते हैं हाथ हटाइए, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, नॉट अ गुड हैबिट, इट इज अ बैड हैबिट। इसका मतलब ये है कि आप क्लास में नहीं हो, आप कहीं और खोए हुए हो, तो प्लीज क्लास के दौरान क्लास में रहें, कहीं खोए हुए नहीं रहें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो भी ऐसा रखते हैं प्लीज असर ना रखें, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए तो खैर मतलब नहीं रखता, लेकिन आपके लिए बात अच्छी नहीं है। जब आप हाथ ऐसे रखते हैं ना, फिर आपके दिमाग कहीं और पहुंच जाती है, मतलब क्लास में नहीं होती है। फिजिकली तो आप क्लास में होते हो, पर आप क्लास में मेंटली नहीं होते हो, बात समझ में आ रही है क्या? जैसे फिर इनके बाद हुआ, सो इन सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया बताइए, सिस्टमैटिक्स इट इंक्लूड्स आईएनसी लिखूंगा चलेगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा ना, आप एग्जाम में कहीं ऐसे ही ना लिख के आ जाओ। आइडेंटिफिकेशन है, और ये जो लिन है ना ये ऊपर का है, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर नोमेनक्लेचर, देन फिर उसको उसके कन्वीनियंट ग्रुप में रखेंगे, हाँ कि ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये सब लिखवा दिया था ना आईएनसी के बारे में, यस सर। लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट क्या था अपना, लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट क्या था? बताइए, जब कोई पूछा करे तो रिस्पॉन्स तुरंत देते हैं, सोचते नहीं है, हाँ कि ना, तो कुछ रिस्पॉन्स मिलने चाहिए। अगर पता है तो बोलो, नहीं पता है तो ये भी ना बोलो। लास्ट क्लास में लिखे होंगे तो पता ही होगा ना, स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक, हाँ कि ना। सर मैंने टैक्सोनॉमी तक ही लिखा है, टैक्सोनॉमी तक लिखा है, चलो मैं चेक करता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रिलेशन है, जीन्स के एतवार से कैसा रिलेशन है वो हमें मालूम चलेगा। हाँ कि ना, मतलब उसमें इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों का कि कौन सा स्पीसीज किससे मिलता जुलता है, हम किससे मिलते जुलते हैं और ऑर्गेनिज्म किससे मिलता जुलता है, किससे सिमिलरिटी, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। हाँ कि ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द, जैसे ह्यूमंस में होता है रिलेशनशिप, वैसे ही ऑर्गेन के बीच में होता है जेनेटिक रिलेशनशिप। हाँ कि ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। हाँ कि ना, एमंग द या बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, जल्दी लिखिए। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वही फादर ऑफ जूलॉजी भी है। कभी ये मत समझना सर मदर ऑफ बायोलॉजी क्यों नहीं होता है, ठीक है ना? अब नहीं होता है तो नहीं होता है, हम उनको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आप लोग कह देना कि मदर ऑफ बायोलॉजी फलाना है, मदर ऑफ बायोलॉजी पार्वती है, रोचिन है, वैभवी है, निष्का है, और कौन है क्लास में? अरे उसको मदर तो सुन, आर्यस को फादर बोलेंगे ना, तो उसको भी आप लोग मदर में इंक्लूड कर लेना। हाँ जी आर्यस, बोले बेटा। और क्लास में आप लोगों से एक शिकायत है ना कि आप लोग क्लास में जब टीचर पूछा करे ना आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो, टीचर को डिसरिस्पेक्ट भी फील नहीं होगा और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे। निष्का मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी कोई टीचर पूछा करे आपको क्लास में बात करना है, क्लास में बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। बेटा नेटवर्क अगर ठीक है तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। और ये आप लोगों का जो इश्यू है कि सर कैमरा काम नहीं करता, इनको आप पहले से सेट करके रखा करो, ठीक है ना? लिख लिया क्या इतना? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एम एन सर। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एम एन सर। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? एम एन। हाँ कि ना, अरे नाम तो बोलो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, फिर एरिस्टोटल है, फिर थियोफ्रेस्टस है। आप पता है थियोफ्रेस्टस का और एरिस्टोटल का क्या रिलेशन है? ये वैसे रिलेशन जैसे मेरा और तुम लोगों के बीच का रिलेशन है। मेरा तुम लोगों के बीच का क्या रिलेशन है? टीचर और स्टूडेंट। तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस तुम लोग हो, थियोफ्रेस्टस क्या हो तुम लोग हो? अरे बोलो तो। और मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर एरिस्टोटल हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या हो? थियोफ्रेस्टस हो। बात समझ में आ रही है? तो थियोफ्रेस्टस क्या था? एरिस्टोटल का एक चेला था, मतलब एक स्टूडेंट था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट उन्होंने बात किया था टैक्सोनॉमी के बारे में। सो लिखो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स INC। INC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कमिटी। हाँ कि ना? अरे INC का मतलब क्या है? हाँ सर, किसने हाँ बोला? हाँ किसने बोला? INC का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही क्या? जल्दी लिखो। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स INC। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, जैसे आप जो पहले का लेक्चर अटेंड किया आई थिंक उसमें मैं लिखाया था ऐसा पॉइंट, जिनका लिखा हुआ उसको इसके वैसे आप लिख लो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? कहीं कुछ पॉइंट छूट जाए तो फिर दोबारा लिख लो बेहतर है, पर कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स INC, फिलहाल पहले इतना लिखो फिर हम लोग समझते हैं, फिर लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। INC का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन।
पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर के बेस पे कैरेक्टराइजेशन करेंगे, जिनकी वजह से हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, जिनकी वजह से जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तब तब उसका नाम रखेंगे, चाहे तो पार्वती रखेंगे या फिर रोचिन रखेंगे या आर्यश रखेंगे या निष्का रखेंगे या वैभवी रखेंगे या फिर एमेंसर रख लेंगे, ठीक है ना। तो उसका नाम रखने के बाद वो अब एमेंसर है या सर है या स्टूडेंट है इन दोनों ग्रुप में, या फिर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनको हम लोग अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। जैसे ग्रुप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन जब पॉसिबल है, जब हम लोग उसको नॉमिनेशन कर लेंगे, और नॉमिनेशन जब पॉसिबल होगा जब हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। जल्दी लिखिए। तो पहला पॉइंट लिखिए आइडेंटिफिकेशन, और एनसीईआरटी ने पहले नॉमेनक्लेचर को डिफाइन किया है, फिर बाद में कहा है कि नॉमेनक्लेचर जब पॉसिबल होगा जब अपने पास आइडेंटिफिकेशन हो चुका होगा। मतलब पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन फिर नॉमेनक्लेचर होगा, देन फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सो आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ कि ना, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड from other already non organism and assigned to a particular taxonomic group। अब बोलेगे सर ये taxonomic group क्या है? taxon आता है, taxon बोलो या taxa बोलो, taxa हो गया plural, taxon हो गया singular। जैसे मैंने बोला kingdom, मेरे बात गौर से सुनना, kingdom बोला, group बोला, family बोला, phylum बोला, division बोला, सिर्फ para नहीं बोला हूँ, order बोला हूँ, class बोला हूँ, और क्या है स्पेसीज और जीनस, ये सब के सब क्या है, एक रिस्पेक्टिव टैक्सोन है, हाँ कि ना। इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोलते हैं, जो किंगडम से लेकर के स्पेसीज तक, ये जो पूरा का पूरा नाम है ना, जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोलते हैं, हाँ कि ना। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी नोन है, मान लो पार्वती एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, पार्वती एक ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग नया ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे तो देखते हुए कि इससे कोई कैरेक्टर मिलता तो नहीं है, अगर मान लो सेम पार्वती जैसा कैरेक्टर इनके पास है तो उसको भी हम लोग पार्वती के ग्रुप में रख देंगे, कि नहीं उससे अगर अलग है तो फिर हम लोग रोचिन इसको अलग ग्रुप बनाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए लिखा है कि फ्रॉम अदर ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उसके और जो नया ऑर्गेनिज्म, इसमें डिफरेंस क्या है, इनके बिहाफ पे इनको हम लोग सेपरेट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ये वो प्रोसेस है जहां पर किसी एक न्यू ऑर्गेनिज्म को हम पहचानते हैं और उसको नॉन ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको एक प्रॉपर पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में असाइन करते हैं, मतलब उसमें रखते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, एंड इट इज कॉल्ड सो। सो का मतलब क्या है आइडेंटिफिकेशन, जल्दी से छापिए इसको, जल्दी। आर्यस, मेरी बात समझ में आ रही सबको क्या? निष्का, रोचिन, बताइए। क्या किया? लिख लिया। अच्छा, लिख लिया। रोशन, आपने लिखा क्या? नहीं लिखना? लिखा सर। अच्छा, लिख लिया। तो जब सर पूछते हैं लिखा, तो ऐसे मोड़ ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे पता है ऐसे कौन करता है, ऐसे ऐसे कौन पता कौन करता है, बैल करते हैं ऐसे। आप लोग बैल नहीं हो ना, देखो ना, जब कभी कोई, जब किसी जानवर को, मतलब किसी आदमी को अपने जानवर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, तो जानवर से बात करते हैं तो वो जानवर मुंडी हिलाता है, मतलब वो गाय या बैल मुंडी हिलाता है। आपको, आप लोग इंसान हो ना, तो मुंह से मुंह दिया है, नेचर ने आपको मुंह दिया, तो मुंह से मुंह ही माउथ। नहीं सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए मुंडी हिलाई। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे किसी ने कुछ वो लिखा था, पता नहीं स्टेटस में ओपन हो नहीं रहे, चलो कोई नहीं। सो तो यह होगा अपने पास आइडेंटिफिकेशन, सबने लिख लिया क्या आज अभी क्लास के बाद?
आज थोड़ा क्लास को हम लोग एक्सटेंड करेंगे ताकि हम लोग उसके सामने इवनिंग वाले के साथ पैरेलल हो सके, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो चलेगा, पर वो लोग मतलब उन लोगों को आगे नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ सर, हाँ मतलब आप लोग में और उन लोग में एक कंपटीशन होना चाहिए। देखिए आप लोग आगे होते हो या वो लोग आगे होता है, ऐसा कर सकते हो क्या? लेकिन दोनों जगह एमएनसरी पढ़ाते हैं, ठीक है ना? दोनों जगह अमिता मैम ही पढ़ाती है, तो देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। अगला टेस्ट आप लोगों को होगा शायद जुलाई के सेकेंड वीक में, तो गेट रेडी फॉर दैट। आई होप कि उसमें आप लोग अच्छा नंबर लाओगे। सो नेक्स्ट है आपके पास नॉमेनक्लेचर। तो मैंने बोला INC मतलब इंटरनेशनल कमिटी, याद रखने के लिए INC। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग नॉमेनक्लेचर, क्या लिखो? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम लोग नेम करेंगे। मतलब जैसे बच्चे का बर्थ होता है ना, उसका नेमकरण करते हैं, क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, मतलब नाम रखी जाती है। जैसे पार्वती का नाम पार्वती है, एमएनसर का नाम एमएनसर है, रोचिन का नाम रोचिन है, मेरा नाम एमएनसर नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, और निष्का का नाम निष्का है। इस तरीके से रिस्पेक्टिव बच्चे का नाम रिस्पेक्टिव नाम है, क्यों? क्या उसको बर्थ के बाद कुछ टाइम जो एक फंक्शन होती जहाँ पे उसके नाम रखी जाती, हाँ कि ना? सो इन दिस द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, मतलब ऐसा नहीं हम लोग तो यहाँ पे अपने नाम सूझे समझ से रख लेते हैं, या कुछ मतलब होता है, मान लो किसी का नाम सूरज है तो किसी का नाम चांद है, मतलब कुछ एक मतलब के तहत नाम रखी जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम रखेंगे, बायोलॉजिकल नेम रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के तहत हम रोचेन, अभी मैं बोल रहा हूँ ना? हाँ सर, सुन रही हूँ। तो पहले सिर्फ सुन लीजिए, आप लिख तो खुद भी लेंगी लेकिन खुद से मेरी आवाज को नहीं सुन पाएंगे ना, फिर आपको कल्पना करना पड़ेगा सर ने क्या बोला होगा, फिर कल्पना करते करते कहीं आप कल्पना चावला ना बन जाओ, ठीक है? जब चावल बन जाओगे तो फिर मैं आपको राइस बना के खा जाऊंगा, ठीक है? सो इन दिस नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, एक ऐसा रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जो इंटरनेशनल कमिटी के थ्रू बनाई गई है, मतलब जो कि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो, ठीक है ना? इसलिए क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल। ये इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, आपके कांदा और बटाटा वाले जगह में भी एप्लीकेबल होगा, और यूरोप या अमेरिका हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जल्दी से लिखिए, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। वैभवी, निष्का, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, समझ में आ रही है? यस सर, हां सर। पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? आ रही है? ये मजा नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? ऐसे बोलो या ऐसे बोलो? अच्छा, आ रहा है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पिछले 33 इयर्स के PDF शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? और आप इनको PDF तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इनका फिजिकल बुक ले लेना ताकि आपको उसमें सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है? 33 इयर्स के पेपर MTG का जो आता है ये आपको खरीद लेना है, ठीक है? या फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन मिलता है Amazon पे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. और उसमें ना जब कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, उसके बैक साइड में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और उनकी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी होती है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दैट MTG 33 इयर्स बुक, ठीक है? ये लिख लिया आप लोगों ने क्या? जब हम लोगों ने बात किया नॉमेनक्लेचर का, आप लोगों को बाहर से मेरी आवाज तो नहीं आ रही ना? नो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। सो अगर नेमिंग की बात करें नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर अपने पास जनरली आपके सिलेबस में दो है। माइक्रोब्स की नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट्स की करेंगे और
एनिमल्स की करेंगे, ठीक है ना। तो प्लांट्स के लिए जो है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, ICZN लेते हैं, और एनिमल्स के लिए क्या लेते हैं, ICBN, हाँ कि ना? नहीं, फिर एनिमल्स के लिए ICZN, हाँ मतलब शायद आप लोगों को थोड़ा सा याद है। तो बेटा वह भाभी का हम लोगों ने पहले बात कर रखा है, इसलिए इनको पता है कि ICBN होता है बोटनी के लिए। ICBN किसके लिए होता है? बोटनी के लिए। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इज इट क्लियर? यस सर। एक बार साथ में सबके सब बोलो, 5 के 5 आवाज में और एक मिलाकर के मैं, 6 के 6 आवाज में बोलो, ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। हाँ, यहाँ पर बायोलॉजिकल नहीं होगा। अब प्लांट्स के लिए अलग है, जूलॉजी के लिए अलग है, हाँ एनिमल्स के लिए अलग है, प्लांट्स के लिए अलग है, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ये भी क्या है, एक साइंटिफिक रूल्स है, लिखा है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बोलिए रिपीट, 5 के 5 आवाज फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजी के लिए क्या है, ICZN नोमेनक्लेचर। आर्यस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आईएस बेटा बोलोगे तो कुछ अच्छा रहेगा, नहीं बोलोगे तो फिर नुकसान होगा। बोलिए आईएस, मैं आपको नया से नाम देने वाला हूं अगर बोलोगे नहीं तो। आईएस, अगर आप बोलोगे ना, मैं आपको नया नाम देने वाला हूं, ठीक है ना। टेकपुर का नाम सुना है? टेकपुर, टेकपुर नहीं सुना है? मैं आपको यही नाम देने वाला हूँ अगर नहीं बोलोगे तो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। तो मैंने क्या बोला, अच्छा इनके बारे में पूछी जाती कि एडेप्टेड कब हुआ है, ये एडेप्टेड कब हुआ है। तो बेटा अगर आपके किसी का कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आप मल्टीपल डिवाइस में, मल्टीपल मोबाइल्स में कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपके डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो तो आप इसको मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 2 डेस्कटॉप पे काम नहीं करेगा वो, एट अ टाइम आप कितने भी मोबाइल में सेम आईडी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे डेस्कटॉप पे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो वहां पर देख सकते हो, लेकिन वॉइस के लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? So, ICBN है, इट वॉज एक्सेप्टेड और एडोप्टेड इन 1961। ये सवाल पूछा गया नीट पे, लिख लो इसको, ICBN इट वॉज एक्सेप्टेड और एडोप्टेड इन 1961 एंड जूलॉजी वाला ICZN इट वॉज एक्सेप्टेड इन 1964। जब आप लोग NCERT पढ़ोगे तो वहां पर जहां पे ICBN और ICZN लिखा हुआ है तो वहां पे ब्रैकेट में एरो निकाल करके लिख लेना कि इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 1961। एंड देन फिर क्या हुआ, जूलॉजी का नाम आया और क्या नाम बोला गया उसको, ICZN, उसका एक्सेप्टेंस कब हुआ, 1967 ना, 64। हाँ, एमन सर कुछ भी बोले आपको ध्यान रखना, पर जो पहले बोल गए वही आपको ध्यान रखना है कि 1964। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर। ये अपना पूरा आप लोगों ने सबने लिख लिया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट जो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था ना पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, ये वाला इसके जस्ट नीचे, तो इसको हम लोग इसके जस्ट बाद डिस्क्राइब किए हैं पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट लिखिए, अगर हमें नोमेनक्लेचर करने की जरूरत क्यों पड़ी आप में से मुझे कौन बताएगा, कोई है जो मुझे ये बताएगा कि सर पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर क्यों आया, बताइए सर? अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, पक्का सबके लिए? और बताइए आरएस, बताइए बताइए निष्का, अगर आपका अगर ऐसा है तो आप भी ऐसा कर सकते हो जैसे आरएस ने किया है, दो बार दो जगह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वह भाभी आप भी बताइए क्या वजह है
जो ऐसा हमें करना पड़ रहा है कि हम नोमेनक्लेचर क्यों कर रहे हैं, किसी का नाम क्यों रख रहे हैं? स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। हाँ, मतलब किसको अपने, क्योंकि अभी सर ने बताया था, मतलब पिछले क्लास में सर ने बताया था कि 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ, दिस वॉज 30 मिलियन। अरे 38 क्यों लिख रहा है? 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है की ना। अब इतने सारे स्पीशीज हैं, हम इनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमें इनके बारे में स्टडी करना है, इनसे हमें बेनिफिट्स लेना है, इनका क्या रोल है, कैसे है, कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, सारा का सारा बायोडाटा अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक तरीका अपनाया, इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल्स के तहत हम लोगों ने क्या किया, इनको नेमिंग करना शुरू किया। जब नेम कर लेंगे, अच्छा जैसे लोकल नेम है ना, आप लोग बोलते हो कांधा, क्या बोलते हो? कांधा। और क्या बोलते हो? बटाटा। बटाटा तो नहीं पता था अपने को, लेकिन हाँ मैं जब मैं अपने टाइम में स्टडी कर पढ़ाई कर रहा था, तब एक टीचर ने बताया था कि बटाटा होता है वो, लेकिन वो भी कहाँ का था, वो भी मैं मुंबई के थे, इसलिए उनको अपने क्लास में जिक्र किया था, ठीक है ना। तो तब मालूम चला कि बटाटा बोलते हैं आलू को, तब तक मुझे यही पता था कि सिर्फ आलू को ही बटाटा बोलते हैं। यहाँ क्या मालूम चला कि कांधा बोलते हैं प्याज को। वैसे आपने कंधा नाम सुना है क्या? बाजू, शोल्डर को बोलते हैं ना कंधा। शोल्डर को क्या बोलते हैं? हिंदी में कंधा बोलते हैं ना। मैं समझ रहा था कि ये कहाँ से कांधा, कहाँ से आ गया। सो मालूम चला कि जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन पे जाओगे, तो इनको हो सके, जनरली तो और जगह प्याज बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे कांधा बोला जाता है। तो जब अब अलग अलग जगह में जाओगे, अब मान लो मैं कहाँ गया, पार्वती के कॉलोनी चला गया, तो वहां पे मान लो कुछ एक्स वाई जेड बोला गया। रोजिन के कॉलोनी गया, वहां पे एबीसी बोला जा रहा है, उसी चीज सेम चीज को। मैं एमएन सर के वहां गया, वहां पे वो एबीजेड बोल रहे हैं। आरएस के वहां गया तो वो कुछ और बोल रहा है। निष्का के वहां गया, वो कुछ और बोल रही है। और कौन है, वैभवी के वहां गया, वो पता नहीं, वो तो कुछ और उपटांग से बोल रही है। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या मालूम चला कि हर जगह ये नाम अलग अलग हो रहा है। इनकी वजह से क्या होगा, सो लोकल नेम्स आर वेराइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आई? क्योंकि वी हैव अ मिलियंस ऑफ स्पीशीज, सबके अलग अलग लोकल नेम्स होंगे। और हाँ, जब इनका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उस दौरान उस टाइम पे हम लोग उसके जो ये नाम, जो भी मान लो अगर रोजिन ने इस नाम को, इस प्लांट को डिस्कवर किया, तो उनके बायोडाटा में रोचिन का नाम भी लिखा जाएगा, रिटर्न बाय रोचिन, कौन सी जगह से, और उसका वहां पे लोकल नेम क्या है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यस सर। एक हम लोग शीट में लिखते हैं उसको, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो अलग लोकल प्लेस पे नाम तो वेराई करता जा रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, एक यूनिफॉर्म नेम हो। क्या हो? अपार्ट फ्रॉम लोकल नेम, वी हैव टू बी यूनिफॉर्म नेम जिनकी वजह से पूरी यूनिवर्स में आरएस को आरएस जाना जाए। जैसे आज बिलगेट्स को बिलगेट्स कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है उन्हें। हाँ, कभी आप एमएन सर को भी ऐसे जानोगे, चाहे आप यूरोप पे चले जाओ तो नाम समझ में आएगा कि हाँ एमएन सर है, ठीक है ना। सो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है क्या, कहीं पे बटाटा बोल रहे हैं, कहीं पे प्याज बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या? यस सर। हाँ, सो इफ यू से अ नेम, एक ऐसा मैं नेम कहूं जिससे आप भी समझ जाओ, टेकपुर आरएच भी समझ जाए, निष्का भी समझ जाए, और पार्वती भी समझ जाए, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सबको समझ पाए, इनफैक्ट के यूनिवर्स के सारे इंसान को समझ में आए। जानवरों को तो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, हाँ कि ना। अरे ये नाम वगैरह जानवर से क्या मतलब है, हम तो इंसान की बात करेंगे ना। सो यहाँ पर उनको सबको समझ में आ जाए। इसके लिए क्या होगा, इफ वी से अ नेम देन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑर्गेनिज्म। मतलब मैंने मान लो मैंने नाम लिया सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम लिया? सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको बोलते हैं बटाटा। क्या बोलते हैं? बटाटा। अरे बोलो यार। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे बोलने के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है ना। अच्छे बनना है तो साथ मेरे क्लास में रिपीट क्या करो, और क्लास में आई डोंट नो।
तो मैंने क्या बोला, मैंने कोई एक नाम लिया सोलेनम ट्यूबरसम। तो मेरे बच्चों को सबको पता होगा, सर ने बताया था किसको क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं, सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल को बोलते हैं, हाँ कि ना, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम मटर को बोलते हैं, पीस को, जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा आप लोगों ने टेंथ तो पढ़े ही नहीं, अब तो ऐसे पास हो गए बिना पढ़ के। हाँ जी आप लोगों ने मजा ही मजा है, काश हमारे टाइम में भी ऐसा होता, बिना पढ़ के नंबर मिलते हैं। चलो कोई नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं, हमने पढ़ के नंबर लाया, हमें अपने आप पर गर्व है, हम लोगों ने पढ़ के नंबर लाया ना। अरे बात समझ में आ रही क्या? हाँ जी, तो मेंडल ने किस पे काम किया था, पीस पे क्या काम किया था। जैसे अगर मैं और बात बोलूं, ओलियम सेपा, क्या नाम सा है ये, सारा मैं नाम लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ओलियम सेपा ये नाम किसका है, प्याज का, मतलब कांदा का नाम है। तो अगर एक मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब आपको भी समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ जानी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी उनको नॉलेज है वो तो समझ जाएगा कि ये प्याज के बारे में कह रहा है, ये बैगन के बारे में कह रहा है, ये आलू के बारे में कह रहा है, ये टमाटर के बारे में कह रहा है, ये मिर्च के बारे में कह रहा है, ये फलाने के बारे में कह रहा है, ये काऊ के बारे में कह रहा है, ये बफेलो के बारे में कह रहा है, ये कबूतर के बारे में कह रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मेरी बात समझ में आ रही क्या? सो ये सारा पॉइंट्स अपने अपने तरीके से अरेंज करके लिख लो ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और एक नाम से हर जगह जाने जाए। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, आप लोगों ने यहाँ तक कहाँ तक लिखा है, पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर अब तक शुरू नहीं किया सर, जल्दी करो, पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर, डू इट फास्ट, थोड़ा सा आज हम लोग को आगे बढ़ना है। लिख लिया क्या? हाँ सर। सबने लिख लिया? यस सर। कहाँ तक लिखा? इट विल क्रिएट कंफ्यूजन तक। If we say a name, then we must understand that we are talking about which organism, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, आपने बोला कांदा, तो वही नया वाला एम एन सर बोलेगा ये कांदा क्या होता है, ये कांदा क्या होता है, मैं समझूंगा कंदा में कंदे की बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, तो अब मालूम चला, तो मुझे बताया गया तब, हाँ एक जो मैं साथ में था वो कब बताया कि प्याज को कांदा बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो बच्चों को पढ़ाने में मजा आएगा, कांदा आके ना। हाँ। जैसे एक सब्जी होती है ग्रीन कलर की ना, उसको लेलुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेलुआ, खाया है क्या आप लोगों ने? नहीं सर। अरे तोरई, तोरई नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अरे सब्जी तो खाते हैं ना? हाँ सर, लेकिन ये नाम नहीं पता। पर आप लोग लंबी सी होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, हल्का हल्का डार्क भी होती है, कुछ लाइट कलर की होती है, कुछ डार्क, मतलब कुछ पूरा ग्रीन होती है, कुछ डार्क ग्रीन होती है, पता नहीं सर। चलो कोई नहीं, इसका नाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेलुआ। लिखा क्या आप लोगों ने यहाँ तक? नहीं सर। जल्दी लिखिए।
एक होता है तुराई, एक होता है तुराई। अरे स्पॉन्ज गार्ड आपने नाम सुना है क्या? क्या सर? स्पॉन्ज गार्ड। एक होता है चाइनीज ओकरा, नहीं सुना है सबने? एक होता है रिज गार्ड, रिज गार्ड तुराई। ये दो तरीके की तुराई होती है ना, एक उसमें बारीक बारीक से होती है, आप लोगों को दिख रहा है क्या ये? एक मिनट, मैं कैसे दिखाऊं? सर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे? ऊपर, मतलब ऑर्गेनिज्म। हाँ सर, लिखा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर, एवरीवन, पढ़ने में मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर, मजे का मतलब अच्छे से आना भी चाहिए, सिर्फ मजे का मतलब मजे नहीं, ठीक है ना? एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, आपने जल्दी लिखो, मैं आपको दिखाता हूँ लेलवा क्या होता है। लेलवा क्या होता है? ठीक है, हो गया सर। सो देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात क्लियर है? मतलब इसी नाम से हर जगह जानी जाए। मैंने बोला ककारे, क्या नाम है बेटा? टाइटल बोलिए अपना। वे भाई, अच्छा काकड़े। काकड़े, अच्छा मैम ने सही बोला था काकड़े। क्या है, अगर मैंने बोला वैभवी काकरे तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाए, इसी, यही अपना पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर। लेकिन ये कोई बायोलॉजिकल नेम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नेम जो हम लोग, एक ह्यूमन एक्चुअल नाम अपना क्या है, होमोसेपियंस, तेरा भी मेरा भी सबका, उसके अंदर ये हम लोग सब अलग अलग नाम रखे हैं ना, बहुत सारे होमोसेपियंस है ना, मेरी बात क्लियर है क्या? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? नेक्स्ट लिखिए, क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? अरे यार ये कितना भागता क्यों है? ये लिख लिया, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन सर। हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन। यहाँ जो लिखा है ना एमएनएस, इसका मतलब वही, जब मैं आप लोगों को, मतलब बच्चे को, आप लोगों के इवनिंग वाले बच्चे को, मतलब बात कर रहा था कि एमएनएस कौन है, एमएन सर है, जैसे समोसा आलू वाला नाम जो जिसने रखा था। ठीक है, लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं सर, जल्दी सर लिखो। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे? क्लासिफिकेशन आप पूरा नहीं देख। हाँ हाँ, नेक्स्ट लिखो क्लास, अभी बेटा समझना है, कला में समझेंगे ना तब लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होती है? बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, नाम भी रख लिए हैं, अब इनको इनके कन्वीनियंट ग्रुप, मतलब जिनको इसमें रखना चाहिए वहां पर इनको हम लोग पुट करेंगे। जैसे मान लो किस किंगडम में रखना चाहिए, प्लांट, अगर सेल वाल है तो प्लांट किंगडम में रखेंगे, फोटोसिंथेसिस है तो प्लांट किंगडम में रखेंगे, नहीं है तो कहाँ रखेंगे, प्रोकैरियोट्स है तो मोनेरा पर रखेंगे। इस तरीके से हम लोग इनको डिवाइड करेंगे, इसको अपने अपने ग्रुप में रखेंगे। इसी ग्रुप में रखने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट का मतलब क्या है, जो मन तो कैटेगरी में रख नहीं सकते, मतलब जिसके पास सेल वॉल नहीं है या जो खाना नहीं बनाता है या सेल वॉल नहीं है तो उसको हम एनिमल कह देंगे। जरूरी नहीं है कि एनिमल किंगडम में फुट कर दिए, वो फंजाई में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये प्रोटिस्टा में भी हो सकता है, ठीक है ना?
कोई यूनिसेल हो सकता है, कोई मल्टीसेल हो सकता है, इस तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सो अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। जल्दी लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि अगर अपने पास ऑप्शन में, अगर अपने पास ऑप्शन में कैरेक्टराइजेशन दिया रहे, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या कि सम कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के साथ, मान लो क्या है उनका रूट का पैटर्न क्या है, प्रोप मतलब कि प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, एडवेंट्रिशियस रूट है या फाइबरस रूट है, या फिर क्या कह सकते हैं लीफ का पैटर्न में क्या है, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन, हाँ कि ना, डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट प्लांट है। इस तरीके से जब इनके पास इस तरीके के फिनोमेना आएगा और कुछ इस तरीके के कैरेक्टर के बेस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? सो अगर आपके पास ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो पहला स्टेप कौन सा होगा? कैरेक्टराइजेशन। पक्का? जल्दी लिखिए इसको, ये वाला नीचे वाला पॉइंट लिखिए, इसको अच्छे से सजा के लिखिएगा, हाँ कि ना। लिख लिया क्या? हाँ सर। मेरे ख्याल से यहीं तक अपना है, तो यहीं तक आप लोगों को पढ़ा है और फिर जो नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे वो होगा आपका काम। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। एवरीवन, एवरीवन, हाँ सर। आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं कह रहा था, तोरी वगैरह ये सब आप लोगों ने खाया है क्या? सर। पक्का? सर। इसको क्या बोलते हैं, झिंगली बोलते हैं, मतलब ये वालों को बोलते हैं लेलवा, ये वाला है ना, ये वाला जहाँ पे वो मांग है, जहाँ पे मैंने नहीं खाया है, फर्स्ट वाला खाया है, सब्जी में ये हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, जहाँ जहाँ पे मेरा माउथ है वहां पे देखो, जो देखो ऊपर में छह है ना, नीचे में छह है, जो आपका सेकंड नंबर पे है और ये थर्ड फोर्थ नंबर फोर्थ पे है, फिफ्थ पे और सिक्स्थ, मतलब कि राइट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लेलवा बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिज गार्ड, तुरई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, ये वाला भी तुरई होती है आगे ना, इसको हम लोग दूसरा तुरई बोलते हैं, इसको कौन सा तुरई बोलते हैं बताइए, ये वाला को बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं रिज गार्ड। अच्छा ये वाला जो होता है ना, जो इसमें थोड़ा उभरी हुई चीज है ना, ये इसी को उभरे हुए चीज को बोलते हैं रिज, क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रिज गार्ड है। और ये वाला थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज गार्ड बोलते हैं, हाँ कि ना, इनकी खेती होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, क्या सबसे लेफ्ट बॉटम मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे, हाँ कि ना, अरे बोलो तो,
ये सबके सब क्या है, तुरई वगैरह है, इसको लेलवा बोलते हैं, ठीक है ना। अपने उधर इसको क्या बोलते हैं, घेरा बोलते हैं, घेरा बोलते हैं, झिंगली बोलते हैं, आगे ना। तो अलग अलग, आपके यहाँ अलग नाम है, मेरे वहां अलग नाम है, इसलिए इसके हमको नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ गई, हाँ कि ना, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया था क्या, यहाँ तक ये वाला भी लिख लिया था सिस्टमेटिक्स के बारे में, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या आप लोग 2 मिनट वेट करोगे? यस। जब तक आप लोग थोड़ा जो मैं अब तक लिखा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। अपना नाम भूल जाओ, पर केंडोले, लिनियस, डार्विन, अर्नेस्ट मेयर, इन सब का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। एक साइंटिस्ट आपके पास, अर्नेस्ट मेयर, इसको ना 3-3 अवार्ड मिला था, ठीक है ना, 3-3 अवार्ड मिला था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोन अवार्ड मिला है इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्रोन, 3-3 अवार्ड इनको मिले थे, ठीक है ना। बोलो ना, पहला था बेल्जियन प्राइज, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, देन फिर है केरा फूड प्राइज, ठीक है। ये 3 प्राइज मिले थे और ये 100 साल की उम्र में 2004 में आपके बर्थ के आसपास इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। अर्नेस्ट मेयर, इसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। सो हम लोग पहली बात करते हैं इसमें सिस्टमेटिक्स में। पहला होता है आपके पास सिस्टमेटिक्स, हाँ कि ना, जो हम लोगों ने पहले भी बात की, हाँ कि ना। हाँ सर। सिस्टमेटिक्स, ठीक है। बेसिकली क्या है सिस्टमेटिक्स या ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, हाँ कि ना। क्या मतलब कि पहले, अच्छा ये टर्म, दिस टर्म वॉज प्रपोज बाई, बताइए। कैरोलस लिनियस। हाँ, प्रपोज बाई लिनियस, कैरोलस लिनियस, या सिंपली अब हम लोग उसको बोलेंगे लिनियस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, जब इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, जब इनको हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे थे, तब हमें, तब वहां पे हमें ये मालूम चल रहा था कि किस बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। सो इसके अंदर जो लिनियस ने लिया था, वो उसने क्या लिया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया था। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या? जो हमें एक्सटर्नली विजिबल है, जैसे अपने पास 2 हाथ है, ईयर है, नोज है, आई है, हेयर है, और क्या है, ये सब है। ये सब के सब क्या है? मॉर्फोलॉजिकली है, जो हमें दिखता है बाहर से, मतलब एक्सटर्नल स्टडी, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हमें विजिबल है। एक होता है एनाटॉमी, जो कि हम लोग उसके अंदर की बात करते हैं, क्या हमें हार्ट दिखता है? पार्वती को दिखता होगा ना, उनके आंखों में वो एक्सरे है, जिनके एक्सरे के थ्रू वो किसी का भी दिल देख लेते हैं, हाँ कि ना, बॉडी किसी के ऑर्गन्स देख लेते हैं, हाँ कि ना, लीवर देख लेते हैं, पेनक्रियाज देख लेते हैं, लंग्स देख लेते हैं, सही बात है क्या? नहीं। हाँ, ऐसे ऐसी बात नहीं होती ना। सो सिस्टमेटिक क्या हो गया? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दिस वाज गिवन बाय लिनियस। इसको हम लोग ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टमेटिक्स में बोलते हैं। इसमें लिनियस ने क्या इंक्लूड किया था? इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अच्छा, यह हो गया आपके पास न्यू सिस्टमेटिक्स। जो आपके पास ये ओल्ड सिस्टमेटिक्स है ना, इसमें जो लिनियस ने लिया था, वो क्या लिया था? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया था। क्या लिया था? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया था प्लांट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था ना कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकता है, जैसे टाइप्स ऑफ लीफ क्या हो गया, अभी आप लोगों के 5वें चैप्टर में मिलेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या आप लोगों के भेजे के बाहर से जा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। रोचिन नहीं सर, समझ में आ रहा है पर शक्ल में आपके 12 बजे हुए हैं। नहीं सर।
पक्का? हाँ सर। हाँ तो मैंने क्या बोला, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हो गया रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, एंड दिस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंक्लूडेड बाय लिनियस। तो सवाल आपसे बन सकता है कि सिस्टमेटिक्स बोलो या ओल्ड सिस्टमेटिक्स बोलो, ये किसने दिया था और अब कौन कौन से कैरेक्टर्स लिया था? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाओगे उसने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल, हाँ, जैसे जैसे प्लांट्स में रूट, रूट हो गए, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया और फ्लावर हो गए, ठीक है ना? इसमें लोग पॉइंट लिखते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन, अगर मैम आप लोगों का सेम चीज पढ़ा है तो आप लोग मैम से कह देना कि मैम हम लोग का हो चुका है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल, अगर ऐसा मैम पढ़ाने लगे तो कह देना कि मैम ये अपना हो चुका है और हमें इससे क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है? ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। अरे ये मैं क्या कर दिया, एक मिनट एक मिनट, आप लोगों ने लिखा तो नहीं आता। इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल, आप लोग भी सिर्फ लिखने में लगे हो, अभी जब सर ने बताया कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो आप लोगों ने वो भी लिखना शुरू कर दिया, हाँ कि ना? एक्सटर्नल थोड़ा सा लिखा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो हमें बाहर से विजिबल हो, ठीक है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हाँ कि ना? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? एग्जाम्पल में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में नोट्स अच्छे से डिकोरेट करके लिखेंगे, बायोलॉजी की नोट्स नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिसमें क्या आएगा, एल आर एस, क्या आएगा? एल आर एस, लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स, हाँ कि ना? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू क्या? शुड आई प्रोसीड? क्या ये proposed by, proposed by Linnaeus, Linnaeus, L I N N A E U S, L I N N A E U S, ठीक है ना? Linnaeus, इनको शॉर्ट में हम लोग लिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिन बोलते हैं, जैसे रोज इनको रोज कह सकता हूँ, पार्वती को पर कह सकता हूँ, हाँ कि ना? और आर्यस को क्या कह सकता हूँ, यस कह सकता हूँ, या फिर क्या कह सकता हूँ, एराई कह सकता हूँ, वैभवी को वह कह सकता हूँ, और निष्का को निष्क कह सकता हूँ, हाँ कि ना? वैसे ही लिनियस को लिन बोली जाती है और एमन सर को एमन सर बोली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आगे बढ़ो क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमेटिक्स में लिखिए, न्यू सिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स। इसका मतलब क्या होगा, जो हम लोगों ने पहले वाला पढ़ा उससे थोड़ा ये और डेवलप्ड होगा, हाँ हाँ कि ना? और थोड़ा ये अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। देखो जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज आती गई वैसे वैसे लोगों ने इसको, साइंटिस्टों ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता गया। तो दिस इज द न्यू सिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। और सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया था? अरे बोलो तो, लिनियस, लिनियस ने दिया था, लिनियस ने। कौन सा ईयस ने? लिनियस। कौन सा नियस? लिनियस। हाँ
अगर मैं 100 बार पूछूं तो 100 बार बोलते हैं आपको थकना नहीं है, जब तक सर नहीं थकेंगे हम भी नहीं थक सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स और न्यू मतलब वही न्यू, ठीक है ना। इसमें उन लोगों ने क्या किया, अच्छा उससे पहले ये जो ब्रांच है ये वाला किसने दिया था, जूलियन हक्सले ने दिया था। ये जो कम न्यू सिस्टमेटिक्स है किसका कंसेप्ट किसने दिया था, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाई नेम गिवन बाई जूलियन हक्सले। ये नाम ये आगे बहुत आएगा, जूलियन हक्सले भी आने वाला है। तो एक बार साथ में सबके सब बोलो मेरे साथ जो भी जोर से, फुल फ्लेज एनर्जी के साथ, क्या नाम है उसका, जूलियन हक्सले। हाँ जूलियन हक्सले या हक्सले भी कह सकते हैं। 1940 में कब दिया था, 1940 में। नाम क्या है, कौन सा लियन, जूलियन हक्सले, कौन सा ले, हक्सले। हाँ तो लियन ले मतलब जूलियन हक्सले। एक बार और बोलो, जूलियन हक्सले। और एक बार और, जूलियन हक्सले। हाँ आर्यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सो न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी लिया था, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी लिया, हाँ कि ना, क्योंकि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तो चेंज हो सकते हैं, अरे हो सकता कि नहीं कि इनिशियली लीफ कुछ और है बाद में कुछ और हो गया, हाँ कि ना, तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, तो हम लोग वो कैरेक्टर्स लेंगे ना जो चेंज होता ही ना हो, जो हमेशा रहता हो, जैसे जेनेटिक कंपोजिशन हो गया, हाँ कि ना, बोलो ना। तो क्या हो गया, ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell हो गया। ऑब्वियसली नाम देख के लग रहा होगा कि ये पहले वाले से और अच्छा डेवलप, अच्छा टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, हाँ कि ना, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट कर रहा है, हाँ कि ना, हाँ सर, एज वेल एज इकोलॉजिकली कैसा रोल प्ले करता है, इकोलॉजिकल, इसके लिए इकोलॉजी में आपको मिलेगा 12th में 4 चैप्टर, कितने, और इन 4 चैप्टर का वेटेज आपके पास अच्छे खासे तकरीबन 10 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर, और 40 नंबर का मतलब बहुत रैंक में बहुत डिफरेंस करेगा, आपको समझ में आ रही क्या, बहुत इजी होती है वो। सो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन प्रे है, कौन प्रेडेटर है, कौन पैरासाइट है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन ट्रॉपिक लेवल 1 पे आता है, ये सब नाम आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा 10th में, हाँ सर, कौन ट्रॉपिक लेवल 1 पे आता है, कौन ट्रॉपिक लेवल 2 में आता है, कौन ट्रॉपिक लेवल 3 में आता है, कौन फूड चेन में आता है, कौन ग्रासलैंड फूड चेन में आता है, कौन डेट्राइटस फूड चेन में आता है, DFC, एक तो होता है KFC, एक होता है DFC, डेट्राइटस फूड चेन, जहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह आते हैं, हाँ कि ना, प्लांट का कम्युनिटी पढ़ोगे आप लोग, एनिमल कम्युनिटी पढ़ोगे, फिर ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ फायदेमंद होती है, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक होता है ना लाइकेन में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है, कोई मिनरल्स की अवेलेबिलिटी करवाता है, कोई खाना बनाता है, जैसे एक फैमिली में क्या होती है, वाइफ खाना बनाती है और हस्बैंड बाहर से खाना लेके आता है, ठीक है, सेम कुछ वहां पे होता है। तो ये सब के सब टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ये उसमें कुछ कंपटीशन होती है, पैरासिटिज्म होती है, कॉमन सेलिज्म होती है, एमेंसेलिज्म होती है, ये एमेंसर वाला एमेंसेलिज्म नहीं, वो AAAMMEN वो एमेंसेलिज्म है। तो वहां पे आप लोग इकोलॉजी में सारा चीज पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे तब सब याद करना कि हाँ सर ने कुछ ऐसा टर्म सर ने बोला था, ठीक है ना। सो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म, मेरी बात क्लियर है क्या आप लोगों को, हाँ सर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू सिस्टमेटिक्स बोलेंगे, है कि ना। और इसके पढ़ने से हमें क्या मिलता है कि हम ऑर्गेन्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। और जो मेनली इसका बेसिस था वो क्या था, वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है कि ना। इवोल्यूशनरी, इट इज मेनली बेस्ड ऑन, क्या था ये, न्यू सिस्टमेटिक्स मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी। क्या समझ में सिर्फ आ रही है, सिर्फ लिख रहे हो? सर आ रहा है समझ। पक्का? हाँ, सवाल आपसे पूछेगा कि जो न्यू सिस्टमेटिक्स था ये मेनली किस पे बेस्ड था, क्या लिखोगे बताइए? Evolutionary relationship. Evolutionary और साथ में जेनेटिक रिलेशनशिप, हाँ कि ना। हाँ सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बोलते हैं, हाँ कि ना, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। Is it clear to you or not? Yes, sir. और इससे पहले वाला क्या था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया गया था, सिर्फ क्या लिया गया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया गया था। आरियस क्लास में हो गया? हाँ सर। समझ में आ रही है? Yes, sir. वैभवी आपका कैमरा ऑफ क्यों है? निश का तो खैर दिक्कत है। वैभवी वो इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ओके, जैसे स्टेबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आज फिर हम लोग क्लास थोड़ा लंबा खींचने वाले हैं, ठीक है, तैयार होना। हाँ जी पार्वती। हाँ सर। शक्ल में बारह क्यों नहीं सर, अभी टाइम हो गया। हाँ बोलिए। बगैर लंच के हम लोग 6-6 घंटा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जब सर इतना कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। कभी तो शाम हो जाता है, नाश्ता भी नहीं करता हूँ, क्लास लेते लेते समझ में आ रहा क्या, तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों से बैठ के पढ़ना होता है, मैं तो पढ़ाना होता है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते शाम हो जाता है पर नाश्ता भी नहीं हो पाता है। चलो आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ, एक होता है आपके पास साइटोटैक्सोनॉमी, जो मैंने आपको पिछले क्लास में लिखाया था, इनिशियल क्लास में। साइटोटैक्सोनॉमी होता है, कीमोटैक्सोनॉमी होता है, कि ना। हाँ सर। अच्छा, आपको उस ऑप्शन में ना 1.7 1.8 के मिलियन के बजाय ऑप्शन में आपको बिलियन भी मिल सकता है, तो ध्यान रहे हर बारी में आप बिलियन को मिलियन ना समझ के पहले ही आंसर टिक करके आ जाओ। या पहला ऑप्शन है, ये भी मिल सकता है कि 1.7 बिलियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेटा सेम है, यूनिट फर्क है, और मिलियन बिलियन में उतना ही फर्क है जितना के आप में, आप लोगों का आपस में फर्क है, बहुत डिफरेंस है। मतलब आपका डिफरेंस कम हो जाएगा लेकिन वो मिलियन बिलियन का डिफरेंस बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। अरे हाँ कि ना। हाँ सर। सो तीसरा आपके पास है, सबने लिख लिया था? हाँ सर। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। इसमें सिर्फ हम लोग क्या बात करते हैं कि वो टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी है जहां पर हम लोग साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हाँ कि ना। जैसे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, हाँ कि ना। तो क्या होगा ये, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाँ कि ना। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि
इनके बारे में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाँ कि ना, साइटोलॉजिकल सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब ये हुआ जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, इज इट क्लियर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एंड बिहेवियर। एक होता है क्यूमोटैक्सोनॉमी, एक क्या होता है क्यूमोटैक्सोनॉमी, जो आपको मेन जानना तो पहले दोनों जानना, ठीक है ना, इतना कुछ खास जानना है नहीं इसमें। क्यूमोटैक्सोनॉमी, बात क्लियर है क्या आप लोगों को? बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर, जैसे कि बताइए, पहले भी आपको मैंने बताया था, और इसको हम लोग केमिकल टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केमिकल टैक्सोनॉमी। केमिकल टैक्सोनॉमी, जैसे कि कोई प्लांट है, उनका कोई फ्लावर है, उनका अलग अलग फ्रेग्रेंस हो सकता है, सेंट हो सकता है ना। सो ये, और कुछ प्लांट है उनका टेस्ट भी अलग अलग होगा, तो इनके बिना पर हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग प्लांट होगा तो अलग अलग फ्लावर के अलग अलग फ्रेग्रेंस भी तो होगा, हाँ कि ना, क्योंकि केमिकली अलग होगा तो फ्रेग्रेंस भी अलग होगा, टेस्ट भी अलग होगा। जैसे हर सब्जी का अलग अलग टेस्ट होता है, हर खाने का अलग अलग टेस्ट होता है। अरे यार, आप लोगों को समझ में आ रही है क्या सब? हाँ सर। है हाँ सर। है हिस्टोरिकल चीज, पर मैं आपको इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको लगे, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। किसी को बोरिंग फील तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, बच्चों को इस टाइम में बोरिंग फील होती है इन हिस्टोरिकल पॉइंट्स पढ़ने में, ठीक है। तो ये दो, ये थोड़ा, ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा, आप लोग हंसने रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो, आगे हंसने मुस्कुराने वाली चीज फिर आने वाली है, ठीक है ना। जैसे केमिकल्स में मैं आगे बढ़ूं क्या, जैसे अल्कोलाइड्स होता है, कैरेटोनाइड्स होता है, टैरिन्स होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है, एमिनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये सब के सब किस में आएंगे? केमिकल टैक्सोनॉमी में आएगा, जब हम लोग इसको इसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, मतलब टैक्सोनॉमी करेंगे, ठीक है। तो शुड आई प्रोसीड? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे केमिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूं, कौन कौन से केमिकल कैरेक्टर्स आएगा, जैसे कि क्या हो गया आपके पास एल्केलॉइड्स, ठीक है, ये प्लांट्स में पाई जाती है, यहाँ की ना, कैरोटीनॉइड्स, इज इट क्लियर, टैनिन्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, ये सब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में, आई होप के बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड। जैसे अपना लिविंग वर्ल्ड खत्म होगा उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है सर। वो थर्ड वर्ड क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? टैनिन्स, ये कंपाउंड जो प्लांट में पाई जाती है, ठीक है सर। एक बार उसका स्पेलिंग रिपीट कर दो ना। कैरोटीनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, टैनिन्स, TANNINS, TANNINS, टैनिन्स, कैरोटीनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, जिससे फैट्स में होती है, यहाँ के ना, फैटी एसिड्स, कुछ होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग होती है, हाँ कि ना, नाम सुना है क्या आप लोगों ने,
ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 10th क्लास। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, मेरी बात समझ। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स लेकर के स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल टैक्सोनॉमी या कीमो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। किसी को क्लास में नींद आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर, मुझे तो लग तो रहा है किसी को नींद आ रही है। चलो कोई नहीं, मैंने किसी को नाम नहीं लिया, मैंने किसी को बताया नहीं, ठीक है? समझने वाले के लिए इशारा काफी है, हाँ कि ना? सो ये हो गया आपके पास केमिकल टैक्सोनॉमी या कीमो टैक्सोनॉमी। आपको मैंने पिछले क्लास में, पहले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, तो आपको भी यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना है। जिनका लिखा हुआ वो नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसका आंसर कौन देगा मुझे? सर इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर टू यू ऑर नॉट? मतलब हम लोग अननोन, अब तक हम लोग वही कर रहे हैं ना कि जो नॉन ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या कुछ नहीं करना है, दो नेम है उसका नाम दिया हुआ है। अब आलू का नाम आलू दिया हुआ है, मतलब सोलेनम ट्यूबेसम दिया हुआ तो दिया हुआ है, त्रिटिकम स्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का दिया हुआ दीजिए, उसके हमको कुछ नहीं करना है। पाइसम थेटाइवम पी का नाम है तो है। अब हम नया ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, मतलब टैक्सोनॉमी हम लोग क्या करते हैं, टू नो अबाउट द अननोन ऑर्गेनिज्म। सो इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सवाल आपसे क्या पूछेगा कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो आर्यस क्या बताओगे, बोलिए आर्यस, निष्का बताइए, जा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन, ठीक है, जल्दी से लिखिए। सर मतलब नहीं समझा, नहीं समझ में आया। ओ सारी रामायण पढ़ ली, पूछ रही है सीता कौन है। सर फर्स्ट लेक्चर में मैं नहीं थी ना। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हम लोग जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं और अब तक वो सब समझ में आ गया, ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस वो नहीं समझ, मतलब इनकी हकीकत क्या है, इस टैक्सोनॉमी में हम लोग करते क्या है, अपना मकसद क्या है। जो अपना, अगर देखो ये सारा तो अलग अलग लंबा लंबा प्रोसेस है कि नाम रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हकीकत में करते क्या है हम, क्या करते हैं इसमें, जो ऑर्गेनिज्म अननोन है उसी को तो पहचानते हैं हम लोग, उसी को तो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसी की तो आईएनसी करते हैं। और टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है, आईएनसी आता है ना, तो इन टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल मतलब हकीकत, इसका एप्लीकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी का एप्लीकेशन क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हमें अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अब तक तो हम लोगों ने वही करना है। अब जो ऑलरेडी नाम है उसका हम लोग, जब ऑलरेडी किसी में उसका कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, सी आई एन सी किया हुआ है, अब हमें क्यों करें उसके पीछे आई एन सी लगाए, हम दोबारा हम किसी उस पे लगाए ना जिस पे अब तक नहीं हुआ हो। हाँ समझा सर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ समझा सर। ये हो गया आपके पास क्या हो गया, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कौन से एरियाज पे करता है, सो एक पॉइंट लिखिए आप लोग यहाँ पर, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम, अच्छा बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा था क्या? हाँ सर। क्या लिखा था? हाँ सर। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बताइए। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन। अच्छा हम लोगों ने ये लिखा ना, सो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहाँ पाया था बताइए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना अपने अर्थ का, जो जो आप जितने भी फॉरेस्ट वगैरह पाई जाती है, वो कितना बड़ा एरिया होता है, वो
उसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। इसका आपको डिटेल से आएगा इकोलॉजी में, ट्वेल्थ में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और उसके बाद अगर इसके बाद पूछ जाए कि सेकेंड मैक्सिमम, तो इट इज द कोरल रीफ। क्या होता है कोरल रीफ, पता है कि आप लोगों को? कोरल रीफ सर वो जो पानी में होता है। हाँ पानी वाला। हाँ सर। होते हैं। सबको क्लियर क्या मेरी बात? हाँ सर। निष्का, रोचिन और कौन है वैभवी, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कोरल रीफ में सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है, एंड टोटल नंबर, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब इज 1.7 टू 1.1 मिलियन स्पीसीज। हाँ कि ना? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी कॉल एज बायोडाइवर्सिटी। आज जब आप लोग 30 मिलियन स्पेसीज से 1.7 1.8 का परसेंटेज निकालोगे तो मालूम चलेगा अब तक 5-6% ऑर्गेनिज्म का ही डिस्क्रिप्शन हुआ है, असल तो बाकी है। हाँ कि ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? ओनली 5-6% ऑर्गेनिज्म्स आर नॉन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। 30 का 10% कितना होगा? 3 होगा ना? यस। और उसका 5% डे 1.5 के आसपास। सो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि वी हैव ओनली, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? ओनली 5-6% ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायो diversity are described, हाँ कि ना? Sorry, describe मतलब? बता रहा हूँ, describe and known. ये describe and known वही है जो हम लोगों ने बात किया था, कितने सारे organ के बारे में हम जानते हैं जिनका naming किया जा चुका है, जिनका INC किया जा चुका है, जिन organ को हम जानते हैं, जिनका रेंज कितना था 1.7 टू 1.8 मिलियन। हाँ कि ना? आर्यस बोलिए। आर्यस 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब हो चुका है और नॉन हो चुका है, उसी पॉइंट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। हाँ कि ना? उसको मैंने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? So, ये था आपके पास टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जहां पे हम लोगों ने इस तरीके की बात किया था, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मेरे ख्याल से अपन बस क्या है, क्या रह गया है और क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ा ना, वैसे आपके पास टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर भी होगा और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपना अपना तरीका बताया है और डिस्क्राइब किया है, बात ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रही क्या? हाँ सर। और आपका, अगर मैं पूछूं आपके पास कि अगर ICZN इनका एडोप्टेड कब किया गया था? 1964। और ICBN बताइए 1961। अच्छा, 1.7 में से 1.8 में से अगर प्लांट और एनिमल्स को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो कितना कितना होगा बताइए? वन पॉइंट टू मिलियन एनिमल्स है, 0.5 क्या है, प्लांट स्पेसीज है, ठीक है। अरे हाँ कि ना बोलिए? हाँ सर।
हाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक लिखिए नॉमेनक्लेचर, थोड़ा बड़ा सा हेडिंग डाल के लिखिए नॉमेनक्लेचर। मतलब पेज छोड़ के नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए। अब थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर को, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। So, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था, अब तक तो हम लोग दो वर्ड वाला नेम बात किया है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सिस्टम बोलते हैं, हाँ के ना? हाँ। So, इसमें हम लोग पहला बात करते हैं बाइनोमियल सिस्टम, उसकी बात करते हैं। पहला क्या है? बाइनोमियल सिस्टम। बाई, गलत लिखा क्या? बाइनोमियल सिस्टम। क्या मतलब? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हाँ कि ना? पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पेशीज। बात समझ में आ रही है? पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पेशीज। बात क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। एंड दिस सिस्टम वॉज गिवन बाई, बताइए कौन दिया था? बाइनोमियल सिस्टम कौन दिया था? जीनियस कैरोलस, कैरोलस लीनियस। बात क्लियर है क्या? इन द यूनिवर्स फॉर द फर्स्ट टाइम लीनियस वॉज द ओनली साइंटिस्ट हु नेम्ड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल एंड प्रोपोज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक दिन बैठा वो जुनून के साथ और पूरे यूनिवर्स के सारे ऑर्गेनिज्म का नाम लिख के बैठ गया वो। मतलब एक दिन में नहीं लिखा, वो लिखने में टाइम लगा होगा, वैसे वो भी इंसान है। सो उसने क्या किया? सारे प्लांट्स और एनिमल्स का नाम लिख दिया, ठीक है? जो उस दिन जो दिया गया है, जो नाम उस दिन दिया था, उससे पहले जो नाम था वो इनवैलिड है। एक डेट फिक्स किया गया प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए कि इसके बाद, इससे पहले जो नाम था वो इनवैलिड है, जो उसके बाद नाम होगा वही वैलिड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो। हाँ। पक्का? हाँ सर। तो वी कैन से लीनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, हाँ कि ना? लीनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, इज इट क्लियर? यस। अरे बोलो ना। सो इन दिस बाइनोमियल सिस्टम लीनियस ने क्या किया? एक दो वर्ड का यूज किया। पहला उसने क्या यूज किया? जीनस का। दूसरा क्या किया? स्पेशीज का। क्लियर है क्या? जब इसको हम लोग लिखेंगे, इनके पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होंगे। क्या होंगे? सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो मैंने क्या बोला? एक दिन वो बैठा और जितने भी, फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज द ओनली साइंटिस्ट जिसने इतने सारे लार्ज स्केल में प्लांट्स और एनिमल्स का नाम लिखा। तो मैं आगे बढ़ूं क्या यहाँ से? हाँ सर। और जो जो प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर है, उसने एक बुक लिखा, फिलोसोफिया बॉटनिका, बुक रिटन बाई बाई वॉट यू कैन से लीनियस, बुक रिटन बाई लीनियस। नाम क्या है उसका? नाम है व्हाट यू कैन से फिलोसोफिया बॉटनिका। इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है।
किस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। क्या नाम है? फिलोसोफिया बॉटनिका। और एक बुक किसने लिखा था? लिनियस। ठीक है, ये बात आपको क्लास में याद हुई कि नहीं बताइए। बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लिनियस या सिंपलियस। और उसमें दो वर्ड आएंगे, बाइनोमियल में दो वर्ड आएंगे, ट्राइनोमियल में तीन वर्ड आएंगे। जो बाइनोमियल दो लिनियस ने दिया, उसको पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा। पहला वर्ड क्या होगा? जीनस होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा? स्पेशीज। बात समझ में आ रही क्या? जैसे हमारे क्लास में अगर कोई है रोचिन सिंधे और वेब अभी ककड़े काकरे, तो रोचिन क्या हो गया? जीनस। और सिंधे क्या हो गया? स्पेशीज। अरे हाँ कि ना? तो रोचिन बिलोंग टू रोचिन स्पेसीज एंड स्पेसीज का नाम बोला जाए तो रोचिन सिंधे उनका स्पेसीज हो गया। जो सिंधे है इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि स्पेसीज बगैर जीनस का एग्जिस्ट कैसे करेगा? वैभवी में क्या होगा? वैभवी क्या होगा? जीनस हो गया। काकड़े क्या हो गया? स्पेसीज हो गया। हाँ कि ना? अरे बात क्लियर है आप लोगों को क्या? निष्का समझ में आ रही है? निष्का हाँ आगे बढ़ो क्या मैं? सबका हो गया? हाँ, एक बुक है, ये सब हम लोग कहाँ पर है? नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़े। नॉमेनक्लेचर किसके अंदर? बाइनोमियल सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? बाइनोमियल सिस्टम के अंदर ही पढ़ रहे, ठीक है ना? सो लिनियस ने क्या किया? लिनियस प्रोपोज्ड, ये वो वाला प्रोपोज नहीं है जो दुनिया में चलती है, ठीक है ना? ये अलग वाला प्रपोजल है। नहीं, आप लोग सबके चेहरे में मुस्कुराहट कैसे आ रही है? सो लिनियस प्रोपोज्ड साइंटिफिक नेम। वो लोग साइंटिफिक नेम को प्रपोज करता है। हम लोग के तरह नहीं, बच्चों के तरह नहीं कि कुछ और प्रपोज कर दे, ठीक है ना? सो साइंटिफिक नेम और नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक, और उसका नाम क्या था? स्पेशीज प्लांटेरम। हाँ कि ना? बुक का नाम क्या था? स्पेशीज प्लांटेरम। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्या उसने प्रपोज किया था? किसी और को या किसी नाम को? अरे बोलिए। नाम को। नाम को। किसके नाम को? साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, मतलब नेम ऑफ प्लांट्स को उसने प्रपोज किया और अपने किताब में सार। अच्छा, ऐसा ये जनरली प्रपोजल लोग डायरी में लिखते हैं, लेकिन उसके लिए उसने क्या लिखा? बुक लिखा और सारे के सारे प्लांट्स के नाम उसने छाप दिया। क्या बात आ रही है? बड़े मुस्कुरा रहे हो आप, कोई खास बात है क्या? अच्छा नहीं, अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उसने क्या लिखा? स्पेसीज प्लांटेरम। और ये लिखने वाला कौन है इंसान जिसने इसको प्रपोज किया था? हाँ कि ना? ही प्रपोज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड जिस बुक में उसने उन सारे नाम्स को लिखा था उसको क्या बोलते हैं? स्पेसीज प्लांटेरम। हाँ कि ना? एंड जो इनका पब्लिश डेट है, कब पब्लिश किया था, मतलब डेट ऑफ प्रपोजल के बाद उनके क्या हो गया? पब्लिश है, मतलब जब बात फैलेगी कि हाँ ऐसा कुछ लिनियस ने किसी को प्रपोज किया, ठीक है? सो पब्लिश डेट कब थी उनकी? जो बुक पब्लिश किया था, पब्लिश डेट ऑफ मतलब ये समझ जाओगे ना, पब्लिश ऑन, बोलिए। अरे पब्लिश ऑन का मतलब समझ रहे हो ना, जिस डेट में बुक पब्लिश की गई है, ये वाला बुक स्पेसीज प्लांटेरम। डेट ऑफ प्रपोजल तो अलग है, डेट ऑफ प्रपोजल तो अलग है। तो जब उसने इस बुक को पब्लिश किया था वो डेट क्या है? ये डेट आपको ध्यान रखना है, पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753। 1 मई 1753
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैंने इसको बॉक्स में रखा, ठीक है। इससे पहले जो भी नाम है वो इनवैलिड है, इससे पहले जो नाम है वो। सो एनी नेम प्रपोज फॉर प्लांट बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड टूडे। मतलब उसने इससे पहले जिसको भी प्रपोज किया होगा वो उसके लिए सबके साथ इनवैलिड हो गया, अब जो नई वाली है उनका वैलिडेशन हो गया। हाँ जी रोचिन सिंधे, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। लिनियज का प्रपोजल समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे हाँ बताइए पार्वती। हाँ सर। हाँ तो ऐसे मजे लेके हम लोग ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है, और बातों का अदरवाइज मतलब नहीं निकालते। तो ये आपको डेट ध्यान रखना है, ये किसके लिए है? पब्लिश करने के लिए। प्लांट्स या एनिमल्स के लिए? प्लांट्स। हाँ तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि मतलब करेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें लिखा है कि लिनियस प्रपोज फलाना फलाना फलाना, तो कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा नहीं है। सो कोई भी नाम प्लांट का, कोई भी नाम प्लांट के लिए इस डेट से पहले दिया गया हो इज नॉट एक्सेप्टेड टूडे, जो भी नाम होगा उसके बाद वैलिड होगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही होता है ना, मतलब जिनका कोई होता है तो पहले वाला प्रपोजल अपने आप खत्म हो जाता है, जो नया वाला होता है वही वैलिड होता है, हाँ कि ना? अरे ऐसे ही तो होता है, ठीक है। अरे रियल लाइफ में हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। और वो डेट कब है, लेकिन बार बार वो प्रपोजल नहीं कर सकता ना, इसलिए इस बार हम फाइनली प्रपोज किया और बोला क्या 1 मई 1753 वो डेट ऑफ पब्लिश है, वही डेटिंग है। उनके बाद जो उनसे पहले जो भी पहला नाम था, उससे पहले जो भी प्रपोजल था, वो सबके सब क्या है, अब जिसने भी दिया हो, चाहे लीनियस ने दिया हो या किसी और ने लीनियस को किया हो या किसी और ने किसी और को किया हो, सबके सब इनवैलिड है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। क्या पॉइंट ऐड करूंगा बताइए। और यहीं से बायनोमियल सिस्टम का इनिशिएशन हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, मतलब प्रपोजिंग डेट यहीं से शुरू हुई थी। किसका? नेमिंग करने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, ठीक है ना, नेमिंग करने के लिए। हाँ आइए बताइए, नेमिंग करने के लिए, नेमिंग करने। हाँ सर। यहीं से स्टार्टिंग हुई प्लांट्स के लिए, यहाँ से स्टार्टिंग हुई एनिमल्स के लिए थोड़ा कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो भी करने वाला, वो भी देखो कितना बेशर्म आदमी है, उसने प्लांट भी प्रपोज कर दिया और सारे के सारे एनिमल्स भी प्रपोज कर, किसी को छोड़ा ही नहीं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी किसी का नाम प्रपोज कर सको, हाँ के ना। अरे बोलिए। हाँ सर। सो एनी नेम प्रपोज्ड फॉर प्लांट्स, ये डेट प्लांट्स के लिए, ठीक है, बिफोर 1 मई जो बोलना है आपको 1753 इज नॉट एक्सेप्टेड टूडे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जब कभी ये चीज भूल जाओ, लेकिन डेट तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मई 1753 है और प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए क्या है, तकरीबन 5 साल बाद। मतलब देखो ऐसा भी होता है ना कि अब जब एक हम प्रपोजल कर लेते हैं तो कुछ टाइम तो हमें रहना पड़ता है उनके साथ, अब नए के लिए कम से कम कुछ टाइम चाहिए, तो 5 साल एक अच्छा टर्म है, 5 साल या 10 साल। तो उसने 5 साल को चूज किया और क्या लिया, क्या बोला उसने, 1758 को प्रपोज किया, वो भी अगस्त के महीने में, हाँ कि ना, 1 अगस्त। सारा कितना सिंपल सिंपल है, दोनों 1 मई है, अगस्त, हाँ कि ना। उसने 1 मई 1753 के लिए प्लांट्स के लिए नाम प्रपोज किया और एनिमल्स के लिए 1 अगस्त 1758 को प्रपोज किया, बिल्कुल 5 साल बाद, और एनिमल्स के सारे नाम प्रपोज कर दिए, आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ छोड़ा है 5.6 के अलावा, जितना परसेंट बचा हुआ ना 30 मिलियन में से, वो सारा आप ही लोगों के लिए बचा हुआ है। आप रिसर्च कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, अगर एक्सेप्टेड हो गई, सारे रूल्स को फॉलो किए गए हो, तो वास में लिख देना कि दिस नेम वॉज गिवन बाई, पर कह देना, रोज कह देना,
आर्य कह देना, वे कह देना, निश कह देना, ठीक है ना। तो मुझे कभी व्हाट्सअप कर देना कि सर मैंने ये नाम लिखा है, ठीक है ना। ऐसा मत लिखना कि समोसा वालों नाम लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बताइए। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। आगे बढ़ो, शुड आई प्रोसीड? यस यस। अरे एक प्रपोजल और भी करना है ना, एक प्रपोजल और करना है। सो नेक्स्ट है लीनियस प्रपोज्ड, कितना बेशरम में फिर से प्रपोजल कर लिया उसने, प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, हाँ कि ना, साइंटिफिक नेम कह सकते हैं या नोमेनक्लेचर, ठीक है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स। और किसमें लिखा उसने, इन हिज बुक, और बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा तो आपका नाम सुना हुआ है, नेचुरा आया एनिमल्स के, हाँ कि ना। अरे बोलो तो। और इनका ये 10th एडिशन की बात करते हैं, कौन सा एडिशन, 10th एडिशन, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड ऑन, पब्लिश्ड ऑन, डेट बोलिए, 1st August 1758. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टेकपुर आईएएस बताइए। यस सर। पक्का? अरे बोलिए तो। यस सर। सो वी कैन से अ पॉइंट, ये पॉइंट क्या कह सकते हैं बताइए, जैसे हम लोग प्लांट में क्या कुछ और लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, जल्दी बोलिए, थोड़ा सा फास्ट बोलिए। Any name proposed for animals before? So any name जो लिनियस ने किसी को प्रपोज किया था वो अब वैलिड नहीं है, अब एनिमल्स वाला वैलिड है, मतलब दोनों वैलिड, ठीक है ना। मतलब उसने बॉटनिकल साइंटिस्ट बन के भी प्रपोज किया और जूलॉजिकल साइंटिस्ट बन के भी प्रपोज किया, हाँ के ना। सो एनी नेम प्रपोज्ड, हाँ कि ना, एनी नेम प्रपोज्ड बिफोर, प्रपोज्ड फॉर एनिमल्स बिफोर 1 May 1753 ना, हाँ, is not accepted today, is not accepted today, is it clear? Yes sir. अरे हाँ कि ना, कुछ बात समझ में आई क्या? हाँ sir. पक्का? तो प्लांट के लिए बुक का नाम क्या है, प्लांट के लिए जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है, स्पीशीज प्लांटेरम। एनिमल्स के लिए कौन सा है, सिस्टेमा नेचुरा। हाँ, मैंने सुना है कि लोग लोगों के प्रपोजल की डेट भूलते नहीं है, तो क्या आप लेनियस का प्रपोजल डेट भूल जाओगे? नहीं सर। ये वो वाले प्रपोजल नहीं है जिससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वो वाला प्रपोजल है जिससे हमें मतलब होती है। हमें एक नंबर, एक नंबर नहीं चार नंबर दे सकते, कितने नंबर, चार नंबर, चार नंबर का मतलब समझते हो, बहुत डिफरेंस। जो आपको नॉर्मल कॉलेज से एम्स, मतलब कि एम्स दिल्ली तक एडमिट करा सकता है, मतलब एडमिशन दिला सकता है, मतलब पेशेंट के तौर पर नहीं, स्टूडेंट के तौर पर, या फिर नॉर्मल कोई भी मिल सकता है, या फिर सीट नहीं भी मिल सकता है। तो चार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो चार नंबर उसमें, चार नंबर इसमें, आठ नंबर चार नंबर बुक के नाम, चार नंबर बुक के नाम, तो 16 नंबर, ठीक है। तो ऐसा भूलोगे क्या? अगर मैं, अगर एनडी का सवाल वो करता है ना,
तो मैं पर्पोज वाला बात जरूर पूछता कि लिनियस ने कब प्रपोज किया था एनिमल्स को और प्लांट्स को, मतलब नेमिंग कब प्रपोज किया था, ठीक है ना? ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए आप, आपके आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए आईसीबीएन, आई इंटरनेशनल इंटर अरे यार नेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इन शॉर्ट वी कैन से आई सी बी एन,